आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था किसके बारे में, न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम के बारे में। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे पास वेरियस ऑर्गन्स आ जाएंगे। वे कौन कौन से हैं? माउथ, ओसोफेगस जिसको फूड पाइप भी बोला जाता है, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन हमारे पास स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले आता है हमारे पास माउथ और बक्कल कैविटी। माउथ और बक्कल कैविटी कंसिस्ट ऑफ मेनली थ्री थिंग्स। वे तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? टीथ, टंग एंड सलीवरी ग्लैंड्स। टीथ कवर क्या रहेगा? जो फूड है इसको कट करना इंटू स्मॉलर पीसीज, स्मॉलर पीसीज में कन्वर्ट करना, च्यू करना और ग्रिंड करना। स्लीवरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या रहेगा? इट प्रोड्यूस स्लाइवा विच इज ए वाटरी लिक्विड। स्लीवरी ग्लैंड्स क्या करेगी? स्लाइवा प्रोड्यूस कर देगी, जो क्या करेगी? फूड को वेट करने में हेल्प करेगी। थर्ड पार्ट इसका आता है बक्कल कैविटी का, टंग। आवर टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग दिस स्लीवा विद फूड। टंग क्या करेगी? हेल्प करेगी किसको? स्लीवा को किसके अंदर मिक्स करने में? फूड के अंदर मिक्स करने में। इसके अंदर एक एंजाइम भी प्रेजेंट रहेगा, स्लीवरी अमाइलेज एंजाइम, जो क्या करेगा? विच कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर, जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा। तो इस प्रकार से बक्कल कैविटी के हमारे पास थ्री पार्ट्स आते हैं, टीथ, स्लीवरी ग्लैंड्स और टंग। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे पास सेकंड पार्ट आता है, ओसोफेगस और फूड पाइप। दिस लाइटली डाइजेस्टेड फूड इन द माउथ इज स्वेलोड बाय द टंग। क्या होगा? जो वेट फूड है वो स्वेलो किया जाएगा फूड पाइप के जरिए। द वॉल्स ऑफ फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपेंड्स। जो वॉल्स हैं फूड पाइप के, वे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे और एक्सपेंड हो जाएंगे, यानी फैल जाएंगे और सिकुड़ जाएंगे। और इस मोमेंट को क्या बोला जाएगा? पेरिस्टाल्टिक मोमेंट बोला जाएगा। दिस पेरिस्टाल्टिक मोमेंट पुशिज द फूड इनटू द स्टोमच। और ये जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट है, ये क्या करेगी? जो फूड है उसको पुश कर देगी किसके अंदर? स्टोमच के अंदर। यहाँ से हमारे पास स्टोमच का फुल डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, वो क्या है? द स्टोमच इज जे शेप्ड ऑर्गन। स्टोमच का की शेप की बात करें तो कैसी शेप है इसकी? जे शेप्ड की। द फूड इज चर्न्ड इन द स्टोमच फॉर अबाउट 3 आवर्स। जो फूड है वो पूरी तरह से मिक्स किया जाएगा स्टोमच के अंदर 3 आवर्स तक। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय क्या हो जाएगा? जब फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा स्मॉलर पीसीज में और सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। द स्टोमच वाल्स सीक्रेट, जो स्टोमच वाल्स हैं ये क्या करेंगी? सीक्रेट कर देंगी गैस्ट्रिक जूसेज को। गैस्ट्रिक जूसेज के अंदर हमारे पास 3 सब्सटेंस प्रेजेंट रहेंगे, वे कौन कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एंजाइम रहेगा पेप्सिन और थर्ड वन हमारे पास क्या रहेगा? म्यूकस। HCl का वर्क क्या रहेगा? जो फूड का मीडियम है उसको एसिडिक कर देना, ताकि क्या हो सके? जो पेप्सिन एंजाइम है प्रोटीन्स को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सके। इसके साथ साथ HCl क्या करेगा? जो बैक्टीरिया है इसको किल कर देगा स्टोमच के अंदर, जो फूड प्रेजेंट है उसके अंदर यदि बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन बैक्टीरिया को किल कर देगा। द फंक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम टू इज टू डाइजेस्ट। फंक्शन क्या है पेप्सिन एंजाइम का? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना जो फूड के अंदर प्रेजेंट होता है। म्यूकस हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द स्टोमच वाल फ्रॉम द सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो म्यूकस लाइनिंग होती है वो क्या करेगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सीक्रेशन से स्टोमच वाल को बचाएगी। इसके बाद फूड कहाँ पर एंटर करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यही कंप्लीट साइट बता रखी है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड के लिए, यानी इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स हैं या फिर मिनरल्स हैं, इनके लिए वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे जो क्या कर देंगे? फूड को कंप्लीट डाइजेस्ट कर देंगे। चलो इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ये कंप्लीट डाइजेशन की साइट मानी गई है। स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेंट्स टू ग्लैंड्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर टू ग्लैंड्स
रहेंगी लीवर और पैनक्रियाज। लीवर सीक्रेट्स बाइल जूस, लीवर का वर्क क्या रहेगा, बाइल जूस को सीक्रेट करना ताकि जो फूड है वो अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट हो जाए। इट मेक्स और कन्वर्ट द एसिडिक मीडियम ऑफ फूड इनटू अल्कलाइन मीडियम सो दैट पैनक्रियाटिक जूस, ताकि क्या उसके पैनक्रियाटिक जूस इस फूड के ऊपर एक्ट कर सके। पैनक्रियाज सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। पैनक्रियाज का फंक्शन क्या रहेगा, पैनक्रियाटिक जो जूस है उसको सीक्रेट करना स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसके अंदर हमारे पास 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे, अमाइलेज ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम। अमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, जो स्टार्च है इसको ब्रेक डाउन कर देगा। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देगा। और लाइपेज एंजाइम क्या कर देगा, जो फैट है फैट ग्लोबुल्स में कन्वर्ट कर देगा। इम्पोर्टेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेंस ग्लैंड्स विद सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस। जो वॉल्स स्मॉल इंटेस्टाइन की कंटेंस ग्लैंड्स, इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स उपस्थित रहेंगी, वे क्या कर देंगी, इंटेस्टिनल जूस को सीक्रेट करेंगी। और इनके अंदर बहुत सारे क्या रहेंगे, एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे, जो क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देंगे। और यहीं पर क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन है वो टेक्स प्लेस हो जाएगा। इसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड है वो एंटर करेगा कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। दी अनडाइजेस्टेड फूड एंटर्स इन दी लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वाटर इज एब्जॉर्ब, और इस अनडाइजेस्टेड फूड से क्या होगा, वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पर चला जाएगा, एनस में। दी अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सक्रिएट थ्रू एनस, और एनस के जरिए क्या हो जाएगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सक्रिएट आउट कर दिया जाएगा बॉडी से। और यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है।